नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नज़र डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय हम मौजूद है वसई जोन 2 DCP कार्यालय के बाहर। यहां आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक आंदोलन शुरू है। ये आंदोलन कई दिनों से शुरू है। इसकी पहले हम एक बार खबर बना चुके हैं। इस आंदोलन को कई दिनों से शुरू होने के बाद भी क्या प्रशासन ने इस आंदोलन पर बैठे आंदोलनकर्ता की सूद ली? क्या आंदोलन किस मुद्दे पर है, इसकी कहीं चर्चा हुई? इसकी बात करते हैं। यहाँ जो मुख्य आंदोलनकर्ता है एडवोकेट अशोक कुमार जी, उनसे बात करेंगे। उनके और सहयोगी लोग भी है, तो सीधे मुलाकात करते हैं। अशोक कुमार जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आप पिछले कई दिनों से यहाँ आंदोलन पर है, आज कितना दिन है और आंदोलन अभी तक कहाँ पहुँचा है? मैं यहाँ पे 13 दिसंबर से आंदोलन पे बैठा हूँ और तीन प्रमुख मांग लेके बैठा था मैं। पहला एक था न्यू वीना सोसाइटी, जो इलीगल तरीके से डिमोलिश कर दी गई है, उनके अधिकारियों और कर्मचारियों ठेकेदारों के खिलाफ FIR के लिए। दूसरा था 11 करोड़ दफन भूमि जो घोटाला हुआ था, उसमें FIR दर्ज करने के लिए। और तीसरा था जो 142/2016 की एक FIR है मानिकपुर पुलिस स्टेशन की, उसमें जाँच करने के लिए चार्जशीट फाइल करने के, आरोपियों को अरेस्ट करने के लिए। लेकिन इनमें से कोई भी मांग के लिए अब तक प्रशासन ने कोई चहलकदमी नहीं दिखाई है। सिर्फ मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया एक मुद्दे पे, फिर भी FIR दर्ज नहीं किया गया। मैं कहना चाहूँगा कि ये प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वसई विरार में, इतने असंवेदनशील हैं, इनके अंदर मानवता नहीं है। ये अगर देखा जाए तो ये अंग्रेज़ों से बुरे लोग हैं। अंग्रेजों के ज़माने में कोई अगर आंदोलन करना चाहे तो कर सकता था, यहाँ पे तो ये आ गया कि आंदोलन भी नहीं करने देना चाहते हैं। अभी मैं आपको एक घटना जिक्र करना चाहता हूँ, 2 जनवरी को हमारे साथ हुई है। हमने एक नोटिस देके, विधिवत नोटिस देके CP कार्यालय में आंदोलन करने की एक सूचना दी थी। वहाँ पे पहुँचने के बाद हम लोग आंदोलन के लिए जैसे बैठे, हम लोगों के साथ मैन हैंडलिंग की गई और हमको डिटेन कर लिया गया। दिन भर हमको 4:30 बजे तक डिटेन करके रखा गया, बाद में CP के सामने पेश कर दिया गया। CP साहब ऐसा एक्ट कर रहे थे जैसे उनके अंदर मानवता ना हो, क्यों सिर्फ भगवान हो गए हैं, वही सब कुछ हो गए। इतना घमंड उनके अंदर, वो बोलते हैं कि महानगर पालिका बहुत ईमानदार नगर पालिका है, ये गलत कर ही नहीं सकती है। अरे CP साहब, यहाँ के जो मुख्यमंत्री है ना, ये भी बोल चुके हैं ये महानगर पालिका भ्रष्ट है। यहाँ जो ये अपना क्या बोलते हैं MP हैं, सांसद मिस्टर दावित, वो भी बोल चुके देश की सबसे भ्रष्ट महानगर पालिका है। और आप सर्टिफिकेट दे रहे हो, लगता है कुछ दाल में काला है आपका। हमको लगता है कि आपको न्याय की नहीं पड़ी, रूल ऑफ लॉ की नहीं पड़ी है। अरे FIR लिखना आपका पहला काम है, पहली हो आप FIR लिखो ना। आपको जो भी इंक्वायरी करना आप मेरे से बात करो ना। आप इधर उधर झूठी झूठी आपके डिपार्टमेंट वाले बात कर रहे हैं, आप उसको विश्वास कर रहे हो। अरे पिक, आप IPS ऑफिसर हो, काउंटर चेक करो। तुम्हारे अधिकारी झूठ भी तो बोल सकते हैं ना, लेकिन उनको अपने अधिकारियों पर इतना भरोसा है कि मेरे को लगता है सब पैसा जो बंदरबांट हुई है वहाँ तक पहुँच गया है, ऐसा मेरे को यकीन है। और इसी वजह से मेरे को लगता है आज 18वां दिन हमारा आंदोलन का चल रहा है। अभी तक यहाँ की DCP जोन 2 की जो अधिकारी हैं महिला हैं, हमें महिलाओं के प्रति एक सम्मान रहता है, लेकिन मैं कहूँगा उनके अंदर जो है ना, महिलाओं में बड़ी नम्रता होती है, विनय होता है, उनके अंदर कुछ भी नहीं है। इधर से 2 बार आती जाती रोज़ शाम सुबह, देखती हैं, हंसती हैं, चली जाती है। आज तक उन्होंने हमको ना तो बुलाया, ना यहाँ आके पूछा कि आपका क्या ग्रीवेंसेज है, आपकी शिकायत क्या है, लेकिन नहीं पूछा। कारण भ्रष्टाचार, दूसरा कुछ नहीं है। इसमें हमने ये भी सुना है कि महानगर पालिका के जो अनिल कुमार जी हैं कमिश्नर, उनको भी बहुत मोटा पैसा मिलता है। आप बताइए, दुनिया में कोई आदमी कोई फ्री काम करता है क्या? और ये बोलते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्टर सब फ्री काम करते हैं, तो फिर काय का बिल लगाते हो महानगर पालिका में? रोडें भी फ्री बनवाओ, गटर भी फ्री बनवाओ। अरे 3-3 बार एक गटर बनाते हो और एक भी गटर चलने लायक नहीं है यहाँ पे, एक भी फुटपाथ चलने लायक नहीं है, समझे? और किस तरह भ्रष्टाचार का पैसा लेके कहाँ जाओगे आप? तो मुझे नहीं लगता है कि इस भ्रष्टाचार के रहते देश में लोकतंत्र कुछ बचा है। सारा लोकतंत्र जो है डिमोलिश हो चुका है, और ये जो आयुक्तालय सिस्टम है ये लोकतंत्र को ख़त्म होने पे लगा हुआ है। हमारे जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट हैं, सिर्फ किताबों में हैं, प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं है। आप एक एडवोकेट होकर आप इतना सब कुछ जो बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे जो आप इस समय सफ़र कर रहे हैं उसके हिसाब से बोल रहे हैं, तो एक आम आदमी उसकी क्या हालत हो सकती है? बहुत बुरी हालत है। लेकिन मैं सभी आम आदमियों से कहना चाहूँगा कि
भले ही कैसा भी है लेकिन बुरे को बुरा कहना शुरू करो। अगर नहीं करोगे, इसी वजह से इनकी जरूरत हुई है सब करने की, इसी वजह से ये हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों को ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि हम जवाब नहीं दे रहे, हम विरोध नहीं कर रहे, हम गलत को गलत नहीं कह रहे। जिस दिन हर एक आदमी गलत को गलत कहना सीख लेगा ना, उस दिन ये सब हो जाएगा। नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ी को आप मुँह नहीं दिखा पाओगे। आपकी वो दशा होगी, हम तो किसी तरह निकल जाएंगे, आपकी वो दशा होगी कि रोते नहीं बनेगा आपको। इसलिए मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेगा कि गलत को गलत कहना सीखो। जो लोकतंत्र धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह ख़त्म किया जा रहा है, उसको बचाने के लिए लड़ो, आवाज़ उठाओ, निकलो। आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा, किसी के साथ गलत हो रहा, आवाज़ बनो। ये हमारी आपसे विनंती है और मेरे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ एजेंसियाँ आएँ जो इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगी और ये FIR दर्ज होगी। आपने कोर्ट से क्यों दाद नहीं मांगी, ये एक सवाल है, क्योंकि आप खुद एडवोकेट हो। बिल्कुल सही, और कोर्ट जाना भी चाहिए, लेकिन सबको मालूम है कोर्ट की हालत इतनी ख़राब है, इतना ओवरबर्डन प्रशासन ने, गवर्नमेंट ने कोर्टों को अपंग बना के रखा है, इतना उनके ऊपर ओवरबर्डन है। एक दिन में 200 से ऊपर केसेस हैं एक एक जज के पास। अब बेचारा जज भी आदमी होता है, ह्यूमन बीइंग होता है, वो एक दिन में 200 केस कैसे देखेगा? तो एक केस 17 साल चलता है, उसी का फ़ायदा ये चोर लोग उठा रहे हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी, इनको मालूम है कि जैसे कोर्ट जाएंगे तो हम बोल देंगे मैटर सब ज्यूडिस है और वहाँ 17 साल के पहले डिसीजन नहीं होगा, उसका ये फ़ायदा उठा के ये गैरकानूनी काम सब कर रहे हैं। न्यायालय जाना हमारी मजबूरी है, इसलिए लोग बोलते हैं कि जितना हो सके पहले मैटर है। पुलिस का काम है FIR लिखना, अगर तुम FIR नहीं लिख रहा है तो न्यायालय में 200 केस ऑलरेडी पेंडिंग है एक एक दिन में, वो क्या करेगा न्यायालय? वो जज बेचारे परेशान, उनको ना केबिन है बैठने का, ना उनको एसी है, ना कुछ नहीं है, उनके पास स्टेनो नहीं है, उनके पास लाइट नहीं है, और ये भ्रष्टाचार के पैसे पे एसी में बैठते हैं, एसी कारें हैं, सब कुछ है, ये इनसे बड़े ऑफिसर होते जज लोग, लेकिन उनके लिए कोई नहीं है। ना तो जुडिशरी के पास खुद का पावर है नहीं, कि पैसा है नहीं, पैसा सरकार देती है, सरकार उनके लिए न्यायालय नहीं बनाती, सरकार उनके लिए स्टाफ नहीं देती है, कुछ बैठने की जगह नहीं। आप वैसे ही कोर्ट चले जाओ, देखो क्या हालत है। तो ऐसे में कोई क्या उम्मीद रख सकता है? ये केस और मैं उनके ऊपर बर्डन होगा, और जिनको जो करना है वो तो करेंगे नहीं। तो इन चोरों को पहले चाहिए कि अपना काम करें, फिर बोलें जाओ अब जुडिशरी। तो वकील साहब ने बेबाक तरीके से अपनी राय रखी, इन्होंने बताया। अब ये मामला शुरू कहाँ से हुआ, उसकी एक छोटी सी भूमिका देकर मैं ख़त्म करना चाहूँगा। तो ये मामला शुरू ऐसा होता है कि वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में ऐसी सैकड़ों बिल्डिंगें हैं जो बिल्डिंग इस समय अति धोखादायक घोषित की गई है। अति धोखादायक घोषित किया जाना, उसको हम गलत नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि अगर अति धोखादायक है तो वो अति धोखादायक को तोड़ा जाना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में वो किसी को नुकसानदायक हो सकती है। लेकिन इसके पीछे कुछ खेल है, ऐसा भी कहीं कहीं से कई बार ऐसा मामला सामने आता है। खेल कुछ ऐसा है कि कई बार यहाँ पर इलीगल तरीके से बिल्डिंगें बांधी जाती है, जिसको हम लोड बेरिंग बोल सकते हैं। लोड बेरिंग बिल्डिंग में एक खेल चलता रहता है। लोड बिल्डिंग बेरिंग के कुछ सालों बाद खुद बिल्डर आता है, महानगर पालिका को एप्लीकेशन डालता है कि ये बिल्डिंग जो है इस समय अति धोखादायक हो गई है, और फिर एक इसका स्ट्रक्चरल ऑडिट होता है। उस ऑडिट आने के बाद में महानगर पालिका उस बिल्डिंग में कौन रह रहा है, नहीं रह रहा है, उसकी कोई सूद नहीं लेती है, उसको जो प्रक्रिया करनी चाहिए वो प्रक्रिया नहीं करती है। ये उसके जो उसके पास टेनेंसी राइट है उसके बारे में उसको सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए, पंचनामा करना चाहिए, वो कुछ नहीं करती महानगर पालिका, और आकर अति धोखादायक के नाम पर वो तोड़ देती है। एक बार बिल्डिंग टूटी, एक बार जगह क्लीन हुई, उसके बाद में कौन टेनेंट है नहीं है उसकी किसी को परवाह नहीं है, और वो बिल्डिंग फिर से उस बिल्डर को या जो ज़मीन मालिक है उसके पास में वो ज़मीन चली जाती है। बाद में वो रिडेवलपमेंट करके आराम से उस पर अपना पैसा बना लेता है। अगर ये तो बात हुई जो हमने बोला, अभी ऐसी बिल्डिंग है जो बिल्डिंग लीगल नहीं है, और जिस बिल्डिंग, लेकिन जो लीगल बिल्डिंग लीगल है, जिसकी सोसाइटी है, उसमें भी इसी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। सोसाइटी में भी हम जानते हैं कि सोसाइटी बस यहाँ देश के कानून से भी अपने आप को ऊपर मानती है। कई सोसाइटी ऐसी है जो देश का हमारा जो संविधान है उस संविधान से ऊपर अपने संविधान, अपने कानून को मानती है। तो वैसे ही सोसाइटी के कुछ मुट्ठी भर लोग शायद महानगर पालिका से इस तरह से संगनमत कर देते हैं, और बाकी लोगों का ध्यान नहीं देकर वो इस तरह से हामी भर देते हैं, और इस तरह से ये कारोबार चलता है। तो वैसे ही यहाँ एक बिल्डिंग तोड़ी गई थी, जिसमें खुद अशोक वर्मा जी है, उस बिल्डिंग के एक टेनेंट है, और इनका यही कहना है कि वहाँ पर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। साथ ही साथ जब महानगर पालिका तोड़क कार्रवाई करती है तो उसका तोड़क कार्रवाई का जो कुछ खर्चा है
वो एज पर लॉ उस बिल्डिंग के मालिक से, बिल्डिंग जमीन मालक या सोसाइटी मालक, जो सोसाइटी है उससे वसूला जाता है, वो क्लोज है। लेकिन उसके नाम पर ये लोग कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं और कॉन्ट्रैक्टर खुद जो सामान वहाँ पड़ा है वो उठाकर ले जा रहा है, उसके उसमें वो सामान जो है उसने उठाया उसका स्पेसिफाई ये नहीं है कि ये बिल्डिंग से रिलेटेड है या किसी टेनेंट का अपना निजी सामान है। तो कहीं ना कहीं उसमें इनका ये आरोप है कि इस तरह से सामान उठाना एक तरह की चोरी है और उस चोरी पर FIR होनी चाहिए, और यही FIR दर्ज नहीं हो रही है। इसको लेकर यह आंदोलन इतने दिनों से जारी है। हमारा काम है तथ्यों को उजागर करना, एक पत्रकार होने के नाते मैं अपना काम कर रहा है, तथ्यों को उजागर किया। यहाँ पे कंप्लेनेंट जो कंप्लेंट इतने दिन से बैठे हैं और वो अपनी आबिती सुना रहे हैं, आप लोग को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं इस तरह के मामले कई बार हमारे सामने आते हैं। कानून विशेषज्ञ लोग जो कानून कायदे जानते हैं वो लोग आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन जो दबे कुचले नीचे तबके के लोग हैं जिनको इन सब की जानकारी नहीं है, वह लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दबकर रह जाते हैं। आज यहाँ भी इस बिल्डिंग की जहाँ कार्यवाही हुई तो कई लोग उसमें प्रभावित है, लेकिन उसमें से हिम्मत सिर्फ एक अशोक वर्मा कर रहे हैं। तो ऐसे ही मामले में हम आवाज़ नहीं उठाते, और अभी अशोक वर्मा जी ने भी यही कहा कि हमें आवाज़ उठानी चाहिए, तो इससे आगे और कुछ कहा जाए मुनासिब नहीं है। आप इस वीडियो के बारे में क्या अपनी राय है हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर ज्वाइन बटन दबाकर हमें आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान कीजिए। धन्यवाद। एफ न्यूज लाइव को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे गूगल पे बार कोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक रूप से मजबूत करें। धन्यवाद। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।